राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो भाई दोस्तों, सुबह हो चुकी है और एक बार फिर लगे ब्लॉग बनाने के लिए। और अभी सुबह सुबह हो गई, जो भी काम करेंगे वो भी आपको दिखाते रहेंगे। मनीष लेकर आया कुरकुरी। क्या क्या आइडिया? सिर्फ है तेरे कुंकड़ी ये सिर्फ के साथ खा रहा है। ये देखी के सिर्फ खाना ले, जाग निकल जा। वो खिचड़ी। चलिए चलते हैं बाहर, दिखाते हैं। इधर माया लगी है, माँ लगी हुई है उधर पानी की। सुबह सुबह मैंने पाइप में जोड़ी है, अभी दिखाता हूँ मैं जाकर आपको। क्या गोल जीरो। सुबह सुबह मैंने पाइपें काट कर इसमें जोड़ लगाए। ये देखिए यहाँ पर ए जोड़ ये लगा दिया, क्योंकि आगे जाने के लिए पानी के लिए पाइप नहीं थी, तो छोटी छोटी पाइपें थी वहाँ पर जोड़ लगा दिए। एक वो वाला जोड़ है और आगे अब पानी जाता रहेगा। चलता हूँ अंदर बाड़ी के, दिखाता हूँ आपको क्या क्या रात भी नुकसान हो गया, फसलों ने अंदर तबाही मचा दी है। उधर से वहाँ देख रहे हो, वहाँ से मैं घूम कर आ रहा हूँ इधर। ये देखिए पशुओं के पैर, यहाँ से पशु आते हैं भाई सुबह से रात को आते हैं और पूरा नुकसान करके चले जाते हैं। ये बेलों को देखो कैसे कर दिया, यहाँ पर पैर रख दिए और ख़राब हो गया। कल आ गए थे, कुछ रात आ गए थे, मैं दिखाऊँगा आपको उधर। क्योंकि ये दोस्तों दो तीन बछड़े हैं खराब, वैसे चला नहीं जाता उससे, यहाँ पर चारा डाल रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर बछड़े आ जाते हैं। बड़े बड़े सांड आते हैं और बीच में छोटे भी बछड़े हैं उसके साइज़ के, दो वो भी आ जाते हैं, वो भी ख़राब करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कई लगे हुए हैं बेल के भी छोटे छोटे। ये देखिए यहाँ पर लोहिया लगा हुआ है, एक लोहिया ये रहा, एक लोहिया ये सामने रहा, दो हो गए, ये दो हो गए भाई यहाँ पर। ये देखिए आज हम सब्जी बनाने वाले हैं, वैसे एक बड़ा सारा यहाँ पर है, ये रहा। अभी वैसे चल ही रहे हैं बेल के। ये देखिए इधर बेल में एक और लग गया। चलिए अभी घूम कर मैं फिर वापस जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा बछड़ा वही बैठा है रात का, उससे भी खड़ा करेंगे। इधर इधर भी लग ही रहे हैं। ये तुम्बे की बेल है, बहुत खारी बेल है ये सामने वाली, तो आप देख सकते हैं इधर। ये माँ ने कुछ यहाँ पर कुछ लगा दी काकड़ी की बेलें कल। तो चलिए चलते हैं वापस, दिखाते हैं आपको उधर। और सुबह सुबह इधर पानी चल रहा है, देखो यहाँ तक आ गया। ये देखिए अभी भाई हमने एक उपाय पूछा था, इस पे जो ये लगा हुआ है ना पेठा, उसको हमको बताया गया कि दो गिट नाप कर, यानी कि 20 इंच की दूरी पर जहाँ पर जड़ होती है ना, और उसके पास में तो खाद डालनी पड़ेगी, जो होती है ना पशुओं वाली खाद वो डालनी पड़ेगी दो गिट की दूरी पर, यानी कि दो गिट नाप लें, यानी कि 20 इंच हो जाएगा। तो 20 इंच की दूरी पर भी खाद डालनी पड़ेगी, उसके पास में नहीं डालनी, नहीं तो बढ़ जाएगी बेल। तो ये उपाय इसमें हमारे क्या है, पेठे बहुत कम लगते हैं, दो लगे थे वो हमने तोड़ लिए पहले और वो भी ख़राब हो गए। चलिए ख़राब निकले क्योंकि कच्चे थे, हमने सब्जी बनाई थी लेकिन अच्छी नहीं बनी। सुबह सुबह इधर भी इनके काम चल रहा है भाई ज़बरदस्त, कोठी का काम, क्योंकि शादी आने वाली है इनके भी थोड़े दिनों के बाद में। देखिए रात का बैठा हुआ है भाई, कल से परसों से लगे हैं, एक वो बैठा परसों वाला देखिए, उसको भाई हमने 3-4 बार खड़े कर दिया तो अभी चल ही नहीं रहा है, क्या पता क्यों नहीं चल रहा है। और ये एक और बेस के पड़ गया यहाँ पर, ये कल से शाम को घर आए ना तभी था, आपको दिखाया नहीं, बाहर बैठा हुआ था कल। बाहर पहले मैंने इसको चारा डाला और उसके बाद में शाम को पशु बहुत है चरने नहीं देते इसे, तो मैंने इसको अंदर कर दिया। अभी इसने कुछ चारा खाया है, ये देखिए तुड़ डाली थी, ये देखिए सांड इस प्रकार बढ़ गए थे रात, ये खूंटा पड़ दिया हमारा, यहाँ से गेट गुट सब तोड़ दिए। ये देखिए इस प्रकार जाली तोड़ दिए, अब इसको भी लगाएंगे गाड़ेंगे। अभी इसको खड़ा करेंगे और इसको पानी वानी फिर पिलाएंगे। चलिए एक बार थोड़ा माया को देखते हैं, माया आ जाएगी उसके बाद में। आ जा रहे तो माया को बुला रहे हैं, माया आ जाएगी उसके बाद में। चलिए लेट्स गो।
ये देखिए भी खड़ा हो गया हमारा रंजा, ये ठीक होगा नहीं पता नहीं भाई। इसको पानी कल से इतना पिया है कि ये सुसू बहुत कर रहा है। ये देखिए पूरी रात लगा रहा पेशाब करने के लिए, अभी और लग गया। चलिए टक्कर मार के इसे एक दो घंटे घुमाते फिरते हैं, उसके बाद में ये और बैठ जाएगा। मुझे मालूम है चलेगा नहीं। माँ बकरियां खोल रही है इधर, तभी आ रही है बस। ये थ्राण लिया कल से माँ के घर की लाइट है जो इधर खराब हो गई, लाइट नहीं आ रही है अभी। वैसे मुझे करनी तो नहीं आती, लेकिन मैंने इंद्राज को पूछा फोन पर वीडियो कॉल कर बताया कि ये जो वाली तार है, ये देखिए ये वाली, इस तार के अंदर कनेक्ट करनी है। मैंने वैसे पीछे से लाइट काट दी है, डर लग रहा है मुझे। देखो लाइट काट दी फिर भी डर बना रहता है। एमसी लगी हुई है पीछे, वैसे ऊंची कर दी है मैंने एमसी को। आप भी भाई दोस्तों लेट कभी ठीक करते हो तो एमसी या ओहो लाइट का पूरा ध्यान रखें। चलिए भाई जितनी मेरे से हो पाई ठीक मैंने इसे कर दी है। अब ये देखिए तार बिल्कुल ठीक लग चुकी है। ये देखिए ये तार मेरे को जोड़नी थी, इस वाली तार इसके अंदर जोड़नी थी, ये ऊपर लगी थी। पता नहीं लाइट के अंदर जो बत्ती होती है हमारी, वो तार जॉइंट कर दिए। इस तार को जॉइंट करने के लिए बोला था। अभी देखते हैं क्या होता है, ये लाइट आती है या पटाखे मारती है। तो भाई घर पर मिस्त्री बनने फ़ायदा होता है या घाटा लगता है। वैसे जोड़ तो दिए मिस्त्री, हमारे यहाँ नज़दीक नहीं है, 2-3 किलोमीटर पर है। देखता हूँ लाइट आई है कि नहीं, एमसी नीचे कर देता हूँ। ये देखिए ये ऊंची कर कर गया था मैं। चलिए लाइट देखते हैं। अरे वाह लाइट आई हुई है भाई, पंखा चल रहा है। मैंने बंद कर दिया पंखे को, अभी चलते हैं उस घर में देखते हैं। अरे वाह मान गया मिस्त्री, आ गई लाइट। तो भाई ये देखो मैंने आज पहली बार तकनीक अपनाई किसी के कहने पर वीडियो कॉल से, और तैयार। अरे भाई कोई भीड़ भी ना जाए तार, मेरे को डर भी लग रहा है। इस घर में क्या क्या चलने वाला है, पंखा छेड़ना। तो अभी एक बार फट्टी लगाएंगे। ये देखिए बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किले ठोके हुए थे बड़े बड़े ये वाले। चलिए इसे ठीक कर लेते हैं तो फट्टी को, क्योंकि अभी टीवी भी चलने वाला है और मनीष देखेगा कार्टून। आवाज़ तो नहीं आती है टीवी में, क्योंकि इसके अंदर है जो खराब हुई है प्लेट आवाज़ वाली। कार लेके वो नहीं लिए सागे ले जा रहा, तो सही हजार है नी। चलिए भाई, भाई माँ बोल रही थी कि लेट ठीक करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाते हैं तो लेट ठीक हो जाएगी। तो अभी माँ होती तो माँ को मैं कहता कि पैसे दो भाई लाइट ठीक करवाने के। तो माँ चली गई ये बकरियाँ लेकर, तो अभी बन गई एक लस्सी, तो लस्सी पी लेते हैं। ये देखिए इधर तैयार हो गई है लस्सी भाई। जय राम जी। चलिए भाई चाय पी लिए, मनीष भी आ रहा है चाय पीकर, इसको भी पानी रखा था, पानी पी लियोगे। चलिए पानी इसने पी लिए, अभी ये और गिरने वाला है अभी, क्योंकि एक दो घंटे बाद में ये गिर जाता है। 2 घंटे हो गए इसे खड़े किए हुए, ठीक है। सुबह खड़ा करा था, अभी 9 बजने वाले 7 बजे खड़ा। कितनी खराब हो गई वैसे। तो वही पिछली बार बारिश आई थी आज 2-4 दिन पहले, उसकी वजह से यहाँ पानी चला गया इसके अंदर थोड़ी की। ये देखिए इस प्रकार हो गई है, जगह जगह दिखाई दे रही है, अंदर पानी चला गया। यहाँ पर डॉग थी तो
पानी पड़ गया, अभी माया ठीक कर रही है इसे। और वे सुबह जैसे हम बछड़े के लगे हुए थे उसे पानी पिलाया, कल शाम के लगे हुए हैं, आज भी दोस्तों वो ख़त्म हो गया। मैं आ गया हूँ बाहर, इधर खूंटे रोपे जा रहे हैं और अभी दिखाता हूँ मैं बछड़ा आपको। ये देखिए भाई, गर्दन मोड़ कर बैठा हुआ था, ऐसे रह गया। आज सुबह की बहुत सेवा की इसकी, पानी पिलाया, चारा भी डाल दिया, फिर भी नहीं बचा। और भाई दोस्तों, एक दिन पहले मैंने जो बछड़े की वीडियो बनाई थी वो भी ख़त्म हो गया सुबह, आज उसको तो डाल कर आ गए। ये रह गया एक, इसे डाल कर आएंगे। और क्या करे, क्या मिले? तो भाई बछड़ा तो आपने देख ही लिया है, अभी उसको डालने के लिए गए क्योंकि आपको पता है वो ख़त्म हो गया 1 बजे के 2 बजे के बीच बीच में। हमने उसे छांव भी किया था सुबह, यहाँ से उठाकर वो बाहर जैसे छांव में कर दिया था, लेकिन वे दोस्तों पता नहीं वहाँ से चलकर इधर आकर धूप में बैठ गया। उसके बाद में 1 बजे के बाद में 2 बजे तक घर में सो गए थे आराम करने के लिए, उसके बाद में पता नहीं कब ख़त्म हो गया। और पानी भी रखा था और चारा भी डाल दिया, आज खूब सेवा की थी लेकिन वही नहीं बचा। और वे 22 जून को जैसे हमने एक वीडियो डाली थी, वो भी बछड़ा सुबह मर गया, तो वो भी नहीं बचा। और अभी तो दोस्तों रखेंगे वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।